वेलकम बैक टू द वीडियो। फिर मैं बात करने वाले इंस्टाग्राम पर यूजर नेम चेंज कैसे करें, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बंदों को यूजर नेम चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि 14 डेज का भी एरर शो करता है, यानी कि 14 डेज की प्रॉब्लम भी वहां पर शो करती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब जो है ना मल्टीपल टाइम यानी कि एक से ज्यादा बार आप यूजर नेम चेंज करने की कोशिश करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे का अकाउंट अपने फोन में चला रहे हो एंड आप उसका यूजर नेम चेंज करना चाहते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन में जो अकाउंट है आपने उसका यूजर नेम चेंज कर दिया था, फिर उसके बाद आपने दोबारा चेंज किया, फिर तीसरी बार जैसे आप चेंज कर रहे हो, तीसरी बार आप जैसे चेंज कर रहे हो, आपको वहां पर कुछ इस तरह का एरर शो कर रहा है, आप यूजर नेम को चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रीजन चाहे जो भी हो, आप यूजर नेम चेंज कर पाओगे, बस कुछ सिंपल से स्टेप है जो कि आपको फॉलो करने हैं एंड आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम चेंज हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। आप यहां पर देखिए, मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया एंड ये हमारी आईडी है, तो मैं इसका तो भाई यूजर नेम चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास और भी अकाउंट है, ठीक है। यानी कि मैंने अपने फोन में इंस्टाग्राम को क्लोन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारा सेकंड इंस्टाग्राम ऐप, ठीक है। तो मैं इसी इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेता हूं एंड यहाँ पर आप देखिए, ये वो आईडी है जिसका हमें यूजर नेम चेंज करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता यूजर नेम होता क्या है, यूजर नेम एक तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। यानी एक तरह से आपकी पहचान होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई आईडी को सर्च करता है, ठीक है, जैसे कि मैं अपने यहाँ पर सेकंड आईडी को सर्च कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अगर नॉर्मली कोई भी बंदा यहाँ पर सर्च करेगा यहाँ पर टेक वसीम, तो यहाँ पर काफी सारी आईडी जाएगी, क्योंकि लोग फेक अकाउंट भी बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ओरिजिनल अकाउंट ऊपर की तरफ आता ही नहीं, ठीक है, या फिर आप ही के नाम से काफी सारे अकाउंट बने हुए होते हैं, तो भाई ऐसे में आपके अकाउंट का कोई भी बंदा नहीं पता लगा सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा आपके नाम को ना सर्च करके अगर आपका यूजर नेम सर्च करता है, तो ऐसे में आपका ही अकाउंट आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरे पर्सनल अकाउंट का यूजर नेम है वो है यहां पर, मैं इसका स्पेस हटा देता हूं, यहां पर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूं, ठीक है, यानी कि टैग अंडरस्कोर वसीम, ठीक है। एंड जैसे ही मैं सर्च करूंगा यहां पर टॉप में ही मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वही आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पर देखिए, ऑफिशियल अकाउंट आ गया, यानी कि हमारे इस पेज पर 202,000 फॉलोअर है, ठीक है। तो ये तो आप समझिए कि यूजर नेम होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको यूजर नेम चेंज करना है। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्रोफाइल पर आ जाना है एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस आईडी का यूजर नेम चेंज करता हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपको टॉप में जो शो करता है ये होता है आपका नेम, ठीक है, यानी कि यहां पर आपका जो भी नाम होता है वो यहां पर आपको लिखना होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कितनी भी बार बदल सकते हो, लेकिन मेन जो चीज है ना भाई वो है आपका यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम आपका कहां पर शो होता है, यूजर नेम यहां पर आप देखिए, यूजर नेम के ठीक नीचे यहां पर आपको यूजर नेम शो हो जाता है। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ये आपकी, मैंने जैसा कि आपको बोला, ये आपकी पहचान भी है, साथ ही ये एक तरह से आपके आईडी का एक्सेस भी होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर अपने आईडी को लॉगिन करने के लिए जाते हो, आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने आईडी को लॉगिन कर पाते हो किसी भी फोन में। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बंदों के जो ना अकाउंट हैक हो जाते हैं, ठीक है, एंड जो हैकर होते हैं वो उनका यूजर नेम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदे अपने आईडी को रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर यूजर नेम कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपकी एक तरह से पहचान होती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कैसे आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली आप यहां पर मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहां पर फिलहाल तो है आई एम जी आंसर है, ठीक है, एंड यहां पर मैं कुछ और लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आई एम जी, ठीक है। या फिर आप यहां पर जो चाहो वो लिख सकते हो। एंड अगर यहां पर ये अवेलेबल होगा, यानी कि इस नाम से अगर पहले मतलब किसी बंदे ने अगर आईडी नहीं बनाई होगी, तो यहां पर ये आपको शो कर देगा, ठीक है। यानी आप जो भी यूजर नेम रखना चाहते हो, अगर वो यूजर नेम किसी और बंदे ने पहले से उस नाम से आईडी बना रखी होगी, या फिर वो यूजर नेम पहले किसी बंदे ने सेलेक्ट कर रखा होगा, तो भाई ऐसे में वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बाद में मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर आप नंबर भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आई एम जी के यहां पर लास्ट में 12 लगा दिया है, लेकिन यहां पर ये अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर मैं 3 भी लगा देता हूं, 3 लगा के देख लेते हैं कि यहां पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये इससे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको अलग अलग नंबर लगाकर देखने होंगे, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 तो सिंपल सा ही है, हर कोई बंदा लगा लेगा, तो यहां पर हम कुछ डिफरेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर हम 321 लगा के देखते हैं। आप यहां पर देखिए, मैंने 321 लगाया, फिर भी नहीं आ रहा है। लास्ट में हम 5 लगा देते हैं। आप यहां पर देखिए 3215 लगा दिया हमने, एंड ये अवेलेबल है, ठीक है। एंड साथ ही गाइस यहां पर आपको नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई देता है, यू एबल टू चेंज योर यूजर नेम बैक टू आई एम जी अंसारी फॉर अनदर 14 डेज, ठीक है। यहां पर ये आपको ऐसा बोलता है कि अगर आप अपना यूजर नेम चेंज कर देते हो, तो भाई ऐसे में आप 14 दिन के भीतर ही अपने यूजर नेम को चेंज कर पाओगे, अगर आप मतलब उसी वाले यूजर नेम को लगाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप उसको 14 दिन के बाद बदलने की कोशिश करोगे, यानी कि 14 दिन के बाद फिर से आप यूजर नेम लगाने की कोशिश करोगे, तो आप नहीं बदल पाओगे, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पर जैसे कि आप मतलब कोई सिम निकलवाते हो, ठीक है, एंड आप मतलब 3 से 6 महीने हो गए आप कोई रिचार्ज निकलवा रहे हो, तो वो बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद वो कुछ महीने के बाद उसको जो ना मतलब कोई और बंदा निकलवा लेता है, ठीक है। यानी कंपनी आपका इंतजार नहीं करती, ठीक। वैसे यहां पर भी आपको
14 दिन का समय मिलता है, 14 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप चाहो 14 दिन के भीतर दोबारा से आप वो यूजर नेम यहाँ पर सेट कर सकते हो। 14 दिन के बाद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई हो सकता है कि जो आपका ऑलरेडी यूजर नेम था उस यूजर नेम को काफी बंदे लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मतलब 14 दिन के बाद लगा लेंगे एंड उसके बाद आप उसको नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इंस्टाग्राम आपको कुछ इस तरह का एरर दे देगा कि भाई ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, आप चाहो तो मतलब कोई दूसरा लगा लो। ठीक है, ये भी आप समझिए यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जैसे आप यूजर नेम चेंज कर देते उसके बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ना भाई काफी बंदों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो अपना यूजर नेम चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर 14 डेज वाला एरर भी शो करता है। ठीक है, कहीं देखिए वैसे तो यहाँ पर मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार यहाँ पर मैं यूजर नेम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर यूजर नेम चेंज होता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ना भाई मैं अपने ही फोन से यूजर नेम को चेंज कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर बार यहाँ पर यूजर नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम को जब कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी आईडी किसी ने हैक कर ली है, तो इंस्टाग्राम आपकी आईडी को स्टॉप कर देता है एक तरह से, या फिर आपकी आईडी पर रोक लगा देता है, जिसकी वजह से आप यूजर नेम चेंज नहीं कर पाते हो, आपका यूजर नेम लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आप 14 दिन के भीतर 3 बार ही यहाँ पर अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको ऐसा बोला जाता है कि 14 दिन के भीतर आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही यूजर नेम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड आपने मतलब वो सीमा पार कर दिए, ऐसे में आप मतलब यूजर नेम चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम को लगता है कि कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम आपके यूजर नेम को लॉक कर देता है। ठीक है, तो अगर आप अपने फोन से करोगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 क्या मैं यहाँ पर कितनी बार चेंज कर लूंगा, भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर प्रूफ देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं मतलब मैं और कुछ भी लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने अनावशनाप कुछ भी लगा दिया, एंड यहाँ पर मैं राइट हैंड पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए 3री बार यहाँ पर मैंने यूजर नेम चेंज किया है, एंड मैं इसको बैक करके रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यूजर नेम पर जाता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं पूरा का पूरा हटा के यहाँ पर कुछ और ही लगा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए भाई मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, मैंने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद राइट हैंड पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मतलब हद से ज्यादा यूजर नेम चेंज करने की कोशिश करोगे, 8 से 10 बार आपने मतलब यूजर नेम चेंज कर दिया, तो भी यहाँ पर आपको एरर शो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम को लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये इंसान नहीं है, फिर मतलब कोई हैकर है जो मतलब किसी बंदे की आईडी में मतलब कुछ हरकत कर रहा है। ठीक है, फिर उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में इंस्टाग्राम आपके आईडी के यूजर नेम को लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको टॉप में नेम मिलता है, जितनी बार आप चाहो अपना नाम चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूजर नेम में मतलब यहाँ पर कुछ लिमिट होती है। ठीक है, अब वो लिमिट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही यहाँ पर आपको यूजर नेम कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको यूजर नेम चेंज करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, उसको कैसे फिक्स करना है वो मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाया। ठीक है, अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।